हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, एंड आपकी प्रिपरेशंस भी वेल एंड गुड चल रही होगी। सो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से। MES रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ये ट्रेड्समैन की भर्ती आपको होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खुशखबरी रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये नहीं पता कि MES क्या होता है, उनको बता दूं कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी हमारे बीच आने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। ग्रुप सी की पोस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सारे कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न, फिजिकल क्राइटेरिया सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आप भी अगर इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिसके लिए अनाउंसमेंट की गई है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी नंबर की वैकेंसी है। मतलब 41,822 सीट्स के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बम्पर नंबर की वैकेंसी रहने वाली, तो आपको तैयारी भी फुल स्पीड से करनी होगी, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो चलो मैं आप सभी को इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बता दूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका नोटिफिकेशन जो है 17 जुलाई को रिलीज कर दिया गया है। तो उम्मीद ये है फ्रेंड्स कि आपका जुलाई के लास्ट वीक तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका ये फॉर्म आउट हो ही जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, तैयारी करते रहना है। फॉर्म की फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS से यहाँ पे 100 रुपीज़ लिया जाता है। वहीं आपको SC ST और फीमेल कैंडिडेट से कोई सा भी चार्जेज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखो तो आपका 10th पास आउट से लेके 12th पास आउट, या फिर अगर आपके पास कोई सा भी इक्विवेलेंट डिग्री है, आपने इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये डिग्री अचीव कर रखी है, तो आपका जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी 110% बनता है। तो ये क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका मिनिमम एज 18 इयर्स रहने वाला है, एंड मैक्सिमम एज टू अप्लाई आपका 30 इयर्स रहेगा। प्लस एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, OBC को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पोस्ट वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली पोस्ट है आपकी आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए की, इसके लिए 44 सीट्स पे वैकेंसी आई है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर का 120 सीट्स रहेगा। सुपरवाइजर इन बैरक एंड स्टोर आपका 534 सीट्स रहने वाला है। ड्राउट्समैन के लिए 944 सीट्स रहेगी। स्टोर कीपर के लिए 1026 सीट्स रहेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 11,316 सीट्स पे ये वैकेंसी आएगी। साथ ही साथ आपको मेट की जो वैकेंसी रहने वाली है वो आपको 27,920, मतलब कि ओवरऑल 41,822 सीट्स यहाँ पे रहने वाला है। तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो आप सभी के अंदर में एक्साइटमेंट तो आ ही गया होगा कि चलो मैं जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, और जानना भी चाह रहे हो कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। तो चलो मैं क्लियर कर देती हूँ, आपका जो सिलेक्शन है 4 मेजर स्टेजेस पे डिपेंडेबल रहने वाला है। फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका जो है फ्रेंड्स रिटेन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, तब इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम की जो पैटर्न है वो बता देती हूँ। आपका 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स के लिए रहेगा, एंड 2 आवर्स की आपकी पेपर कंडक्ट की जाएगी। और इसमें फ्रेंड्स आपका जो है OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है, पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगा 0.25 का। तो चलिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो है कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको क्लियर कर देती हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रहेंगे।
जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस दोनों मिला के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, और ये ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइज्ड टॉपिक होगा आपके ट्रेड से रिलेटेड, उससे यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो फिजिकल होगा उसमें सबसे पहले आपका PHT यानी कि हाइट का मेजरमेंट होता है। तो मेल के लिए जो नॉर्थ इंडिया साइड से बिलोंग करते हैं 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड रहेगी, एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर रहेगी। फीमेल जो नॉर्थ इंडिया साइड से बिलोंग करती है उनके लिए 150 सेंटीमीटर रहेगा, अदरवाइज जो भी अदर कैंडिडेट्स है उनके लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड रहने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी रनिंग भी होती है, मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स एंड फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स। तो ये सब तो फ्रेंड्स आपका क्लियर हो गया कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम की पैटर्न भी बता दी है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मुझे सैलरी क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलने वाली, क्योंकि ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। आपका जो इन हैंड सैलरी रहता है वो 56,100 टू 1,77,500 के बीच में रहेगा, मतलब कि आप स्टार्ट करोगे तो आपको 56,100 मिलेगा, और धीरे धीरे इंक्रीमेंट्स के बाद आपको जो पर ईयर अच्छा खासा मिलता है देखने को यहाँ पे पर्क्स एंड अलाउंसेस, उसके बाद आपका 1,77,500 हो जाता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना आप लोग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है, तो जॉब का लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया में रहेगा एज पर एलोकेटेड बाय द इंडियन आर्मी फोर्सेस। सो या फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आप सभी को बताए हैं इंडियन आर्मी MES रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी उसको अपलोड कर दिया है, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाके भी आप चेक कर सकते हो। और अगर फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई सी भी क्वेरीज रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ और वहाँ भी मुझे फॉलो कर लो। एंड आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोज़ को शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। सो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू धमाकेदार जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।